हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आज हम एंगुलर में डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे कि डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, कितने तरह के हमारे पास डायरेक्टिव्स होते हैं, क्या इनका यूज होता है और उनका एक एक हम एग्जांपल भी देखेंगे प्रैक्टिकल करके। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये दिखा देता हूँ। तो डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स जैसे दोस्तों आपके पास एंगुलर में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनके बिहेवियर को चेंज करने के काम आता है। जैसे कि HTML की कोडिंग होती है, CSS में होती है, उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए डायरेक्टिव्स काम आते हैं। तीन तरह के होते हैं, जैसे कि कंपोनेंट होता है जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ा था, स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स होते हैं और एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स होते हैं। कंपोनेंट डायरेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। कंपोनेंट डायरेक्टिव्स में क्या होता है, एक कंपोनेंट के कोड को दूसरे कंपोनेंट में एक्सेस करके उसको ब्राउजर स्क्रीन पे दिखाना, वो आपके कंपोनेंट डायरेक्टिव्स में आता है। इसमें आपका बाइंडिंग आ जाता है, कोई भी आपका फंक्शन होता है उसको फंक्शन कॉलिंग आ जाता है, तो वो आपका कंपोनेंट डायरेक्टिव में होता है। इसका हम एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स में क्या होता है, आपके पास स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स में आपकी HTML की पूरी लेआउट को ही चेंज कर देता है। स्ट्रक्चर डायरेक्टिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप इफ एल्स कंडीशंस यूज कर सकते हो, एनजी इफ यूज कर सकते हो, आप इसमें एनजी फॉर यूज कर सकते हो, एनजी स्विच यूज कर सकते हो। यानी कि इसका एक फायदा है, सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड में ही इफ एल्स कंडीशंस को यूज कर सकते थे, जावास्क्रिप्ट के कोड में ही इफ कंडीशन यूज कर सकते थे, फॉर लूप चला सकते थे। बट एंगुलर की ये पावर है कि आप इफ एल्स कंडीशन को, फॉर लूप को HTML में भी चला सकते हो। ये होती है आपकी एंगुलर की पावर। जावास्क्रिप्ट में ही नहीं, HTML में भी आप उसको चला सकते हो और ये वैल्यू आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करके देता है। तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्टिव होता है। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स क्या होता है, जो आपके HTML होता है उसके बिहेवियर को चेंज करता है HTML के कंटेंट्स के, जैसे कि उसमें स्टाइलिंग कर देना, HTML के कंटेंट का कलर वगैरह चेंज कर देना, वो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के अंदर आता है। चलिए वन बाय वन इनके प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कंपोनेंट्स डायरेक्टिव के अंदर, ठीक है। तो हम जाते हैं अपनी कोडिंग में, यहाँ पे हमने ऐप, यहाँ पे अब करते हैं ऐप डॉट कंपोनेंट डॉट HTML को मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल कुछ भी कोडिंग नहीं है, मैंने जो पहले जो इसमें कोड लिखा था, जो पहले से ही आया था, मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया, सबको हटा दिया है, क्योंकि हम शुरू से इसको करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कैसा दिखता है। रन करने के लिए हम अपनी CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, उस फोल्डर पे जाना है जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट पड़ा है। तो CD डबल डॉट करके बैक जाता हूँ, CD, फिर Angular 7 नाम का एक प्रोजेक्ट है यहाँ पे मेरा। Angular 7 नाम के प्रोजेक्ट के अंदर मेरा है एंगुलर बुक्स नाम का फोल्डर, जो कि एक्चुअल में मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। अब आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाके आपको ngserve कर देना है। यहाँ पे ngserve एक आपकी कमांड है जिसका यूज़ आपका जो भी आपने कोड लिखा है उसको कंपाइल करने के काम आता है। तो ngserve कमांड आपकी कंपाइलेशन के काम आती है। ये शुरुआत में आपका 30 से 40 सेकंड ले सकता है दोस्तों, ngserve कमांड आपकी। फिलहाल के लिए मैं आपको बता देता हूँ इतना कि हम क्या करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स वाले में। हमें क्या करना है, हम अपने app.component.ts फाइल में जाते हैं टाइपस्क्रिप्ट वाले में। हमें सबसे पहले इस जो टाइटल दे रखा है एंगुलर बुक्स का, हमें इस टाइटल को HTML वाले सेक्शन में एक्सेस करना है और उसको एक्सेस करके हमें ब्राउज़र की स्क्रीन पे दिखाना है क्रोम वाली, ठीक है। तो अगर वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया तो समझो अपना कंपोनेंट डायरेक्टिव है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। उसके बाद हम एक बटन बनाएंगे, ठीक है। उस बटन के क्लिक करने पे एक फंक्शन कॉल होगा, वो भी हम कंपोनेंट डायरेक्टिव में करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखते हैं ये हुआ है नहीं, ये थोड़ा अभी टाइम ले रहा है। इसके रन होने के बाद आपको क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है दोस्तों। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको एक एड्रेस फिल करना है लोकल, ठीक है, लोकल होस्ट आपको 4200 पे उसको रन करना है। ये आपका पोर्ट एड्रेस होता है, उस पर ये डिफ़ॉल्ट रन होता है। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये बिल्ड कर रहा है, बिल्ड हो रहा है। अब ये आपका सक्सेसफुली, आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आपके पास मैसेज आ चुका है कंपाइल सक्सेसफुली। अब आपको इसको मिनिमाइज़ करना है दोस्तों, इसको मिनिमाइज़ ही करना है, कट नहीं करना। उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में आपको लिखना है यहाँ पे लोकल होस्ट कोलन 4200, आपको इसको नोट करना है लोकल होस्ट, फिर आपको कोलन लगानी है, ये दो बिंदु दिख रही है आपको, फिर आपको 4200 इसका डिफ़ॉल्ट होता है पोर्ट एड्रेस। अब आपको एंटर कर देना है।
एंटर करने के बाद जो आपका प्रोजेक्ट होता है वो एज इट इज़ आपको डिस्प्ले कर देगा। फिलहाल हमने कोई कोडिंग नहीं लिखी है, फिलहाल के लिए ब्लैंक है क्योंकि हम शुरुआत से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम अपना मैसेज क्या शो करना चाहते हैं, सबसे पहले वो देखते हैं। जो आपका TS फाइल में जो आपका जो टाइटल दे रखा है अपने एंगुलर बुक्स का, हमें उसको एक्सेस करना है। तो उसके लिए हम HTML वाले सेक्शन में जाएंगे। आपको यहाँ पे दो कर्ली ब्रेसेस लगानी है, ठीक है, दूसरी के अंदर यानी कि सबसे मिडल में आपको यहाँ पे लिखना है टाइटल, जो उसके वेरिएबल का नाम है। टाइटल लिखेंगे, कंट्रोल एस इसको सेव करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ऑटोमेटिक से इसको रिफ्रेश कर देगा। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देख सकते हो एंगुलर बुक्स जो आपका टाइटल है, जो उसमें कंटेंट है, वो आपका डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, यानी कि ये वर्क कर रहा है। उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे इसके बाद कुछ लिख सकते हो, इज़ वर्किंग। आप अपने आप से भी कुछ यहाँ पे लिख सकते हो, कंट्रोल एस सेव करते हैं और ये रिफ्रेश होगा। आप देख सकते हो एंगुलर बुक्स इज़ वर्किंग, आपका ये अभी भी वर्क कर रहा है। तो ये आपका था। अब हम नेक्स्ट इसमें एक बटन बनाते हैं, उस बटन को क्लिक करके फंक्शन को कॉल करते हैं, जो कि कंपोनेंट्स डायरेक्टिव का एग्जाम्पल है। तो अब लिखते हैं यहाँ पे बटन, बटन को क्लोज किया, उसमें एक वैल्यू दे देते हैं क्लिक मी, क्लिक मी दे देते हैं यहाँ पे। और उसके बाद बटन के अंदर हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में तो हम ऑन क्लिक इवेंट लगाते थे, बट हम एंगुलर में थोड़ा अलग है, यहाँ पे हम क्लिक लगाएंगे, सिंपल ब्रैकेट लगाएंगे पहले ये, और ब्रैकेट के अंदर हमें लगाना है क्लिक, क्लिक लगाना है इवेंट। उसके बाद हमें इक्वल टू में फिर डबल कोट्स लगाने हैं, डबल कोट्स में फंक्शन का नाम लिखना है। सपोज मैं फंक्शन का नाम लिखता हूँ बटन, बटन मैंने BTN मैंने फंक्शन का नाम लिख दिया, आप कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नाम डिक्लेयर किया। अब कंट्रोल एस से यहाँ पे सेव कर रहे हैं, सेव करना जरूरी होता है दोस्तों हर एक कंपोनेंट को, ठीक है, जहाँ भी वर्क कर रहे हैं कंट्रोल एस पे आप हाथ रखो ही रखो, ठीक है। उसके बाद हमने इस बटन को डिक्लेयर किया, डिफाइन करना है हमें टाइप स्क्रिप्ट वाले कोड में। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे, यहाँ पे इसको फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना है। और सपोज मैं यहाँ पे अलर्ट मेथड का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे एक मैसेज शो कर देता हूँ कि बटन इज़ वर्किंग, ठीक है। मैंने इस मैसेज को यहाँ पे किया और यहाँ पे मैं सेमीकोलन भी लगा देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ पे जाते हैं, आप देख सकते हो ये आपका बटन यहाँ पे आ चुका है। क्लिक भी करता हूँ इस पे, ओके करता हूँ, आप देख सकते हो बटन इज़ वर्किंग, आपका पॉपअप बॉक्स यानी कि अलर्ट बॉक्स आपका आ चुका है, यानी कि ये आपका वर्क कर रहा है। तो ये था आपका सबसे अच्छा कंपोनेंट्स डायरेक्टिव का एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम आपका स्ट्रक्चर डायरेक्टिव, जिसके पास आपके पास ng if आता है, ठीक है, ng switch आता है, ng for आता है, तो ng if का कर लेते हैं हम इसमें। तो स्ट्रक्चर डायरेक्टिव्स में क्या होता है, हमने कहा था कि हम HTML में भी कंडीशन लगा सकते हैं, वो आपकी ट्रू और फॉल्स में वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे एक div tag बना लेता हूँ, div tag को क्लोज किया और div tag के अंदर मैं एक कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिख देता हूँ ng if is working इन HTML, ठीक है, ng if आपका HTML में वर्क कर रहा है। अब आपको इस div tag के अंदर, ठीक है, ओपनिंग टैग में div tag के अंदर आपको लिखना है ng if लगाने के लिए सबसे पहले आपको स्टार लगाना है, फिर ng लगाना है, फिर if लगाना है। ये आप इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले इसमें स्टार मस्त है, फिर ng मस्त है, फिर if में आपका i इसका कैपिटल आएगा, नोट करना, जो आप इसका i होता है वो कैपिटल आएगा हमेशा। उसके बाद आपको इक्वल टू में डबल कोट्स लगा के इसमें एक नाम नेम पुट कर देना है वेरिएबल में, जैसे कि मैं लिख देता हूँ stmt स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन नाम का मैंने इसमें वेरिएबल लिया, जिसको हम एक्सेस करके ट्रू और फॉल्स की वैल्यू देंगे, ठीक है। ये मैंने किया है यहाँ पे। अब इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके stmt1 जो वेरिएबल है इसका टाइप स्क्रिप्ट में जाऊँगा, टाइप स्क्रिप्ट में जाके यहाँ पे नीचे इसको stmt इक्वल टू में इसको ट्रू और फॉल्स हमें दे देना होता है। अगर ये ट्रू है तो वो डिस्प्ले होगा। तो कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ से भी इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ से, अपने आप हो रहा है रिफ्रेश, और क्लिक भी करता हूँ यहाँ पे, ये तो हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा एरर है यहाँ पे। ओके, डिव टैग में मैंने लिखा है ng if is working in HTML, ओके, और यहाँ पे मुझे टाइप स्क्रिप्ट में मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की, stmt is equals to true मैंने यहाँ पे ये भी कर दिया, सही है। और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये आपका वर्क कर रहा है, ng if is working in HTML, यानी कि ये इसका डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको फॉल्स कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ट्रू की जगह फॉल्स कर देता हूँ false, तो डिस्प्ले नहीं होगा। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, यहाँ से रिफ्रेश हो रहा है, अब आप देखोगे यहाँ पे वो आपका डिस्प्ले नहीं हो रहा है।
तो इसी तरह से आप ट्रू और फॉल्स करके उसको डिस्प्ले कर सकते हो, हाइड कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने एचटीएमएल में किसी वेबसाइट में किसी भी टिप को आप जब मर्जी चाहो उसको हाइड कर सकते हो और उसको डिस्प्ले भी कर सकते हो एनजी इफ कंडीशन को लगा के। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है एंगुलर में, यानी कि आपको बहुत बड़ा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो आई होप आपको ये तो समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हम करते हैं इसका एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स के अंदर, जिसपे हम एनजी स्टाइल वगैरह यूज़ करते हैं कलर को चेंज करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ही एक पैराग्राफ ले लेता हूँ और पैराग्राफ में कोई कंटेंट लिख देता हूँ, जैसे कि दिस इज माय पैराग्राफ। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, कंट्रोल एस से सेव करते हैं और यहाँ पे जाऊँगा मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ माय पैराग्राफ, ये डिस्प्ले हो चुका है। अब मैं इसमें इसका कलर चेंज करूँगा दिस इज़ माय पैराग्राफ का। ठीक है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को यूज़ करके, तो मुझे यहाँ पे पैराग्राफ टैग के अंदर, ठीक है, ओपनिंग टैग में लिखना है सबसे पहले यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट आएगी, बड़ी ब्रैकेट के बाद आपको एनजी स्टाइल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, नोटिस करना दोस्तों, यहाँ पे एस आपका कैपिटल आएगा, जहाँ पे भी ये एनजी वाला स्टेटमेंट आती है, जैसे एनजी इफ होता है उसमें आई कैपिटल आएगा, एनजी फोर में एफ कैपिटल आएगा, एनजी स्टाइल में एस कैपिटल आएगा, यानी कि जब भी चेंज होता है तो आपका एक वर्ड कैपिटल आता है उसका। ठीक है, तो आई होप को ये समझ में आया होगा। एनजी स्टाइल लिखोगे, उसके बाद ब्रैकेट के बाद इक्वल टू लगाओगे, इक्वल टू लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डबल कोट्स लगाने हैं, डबल कोट्स लगाने के बाद आपको कर्ली ब्रेसेस लगानी है और ये कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करना है। अब इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको सिंगल कोट लगाने हैं, सिंगल कोट के अंदर आपको वैल्यू देनी है जो आप चेंज करना चाहते हो प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ कलर, उसके बाद आपको बाहर आना है और यहाँ पे कोलन लगाना है, फिर आपको सिंगल कोट लगाना है और कलर की वैल्यू जैसे मैं रेड देना चाहता हूँ रेड दे दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, अभी आपको समझा देता हूँ कैसे हुआ है। देखिए, एनजी स्टाइल लिखा बड़ी ब्रैकेट के अंदर पैराग्राफ के ओपनिंग टैग में, इक्वल टू लिखा, सबसे पहले आपको डबल कोट्स लगाने हैं, डबल कोट्स के बाद आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगानी है, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंगल कोट में प्रॉपर्टी जैसे कलर, फिर उसके बाद कोलन लगाना है, फिर आपको फिर से सिंगल कोट में उसकी वैल्यू कलर की वैल्यू जैसे आप रेड देना चाहते हो ये लगाना है आपको। ठीक है, अब आपको कंट्रोल एस इसको सेव कर देना है और यहाँ से ये इसको रिफ्रेश कर देगा, आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कलर है दिस इज़ माय पैराग्राफ, इसका कलर रेड हो चुका है दोस्तों। अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी लगाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रेड के बाद कॉमा लगा देना है, फिर सिंगल कोट लगाना है, आपको लगानी है प्रॉपर्टी फॉन्ट वेट, जो कि हमारा सिंबल एचटीएमएल का ही काम है फॉन्ट वेट, और फॉन्ट वेट के बाद यहाँ पे कोलन लगाना है, सिंगल कोट लगाना है, यहाँ पे लिख देना है प्रॉपर्टी का नाम बोल्ड, जैसे कि आपने देखा है आपने यहाँ पे कॉमा लगा के फॉन्ट वेट की प्रॉपर्टी को ऐड कर दी बोल्ड। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, ये रिफ्रेश होगा, आप देख सकते हो ये भी आपका बोल्ड हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको, हमने आज डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा कि कैसे डायरेक्टिव्स वर्क करते हैं। तीन तरह के डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, कंपोनेंट डायरेक्टिव के बारे में जिन्हें हमने बाइंडिंग की है, यानी कि एक तरह से एक फंक्शन को कॉल किया है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर डायरेक्टिव में हमने एनजी इफ लगाया है, एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स में हमने स्टाइल को चेंज किया, कलर वगैरह को चेंज किया है एनजी स्टाइल को यूज़ करके। इसमें जो आपने जो टाइटल लिखा है जो आपका ये है, ये आपका बाइंडिंग कहलाता है, जो आपकी डाटा को बाइंड करना डाटा बाइंडिंग कहलाती है, जो आपकी ब्रेसिस में होती है। तो ये हमने आज हमने डायरेक्टिव्स के बारे में पढ़ा, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि हम मींस टेक टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, अभी हम एंगुलर करेंगे फिर हम नोड वगैरह ये सब करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।